गाइस वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ रेंच सिमुलेटर। और जैसे कि तुम सबको याद होगा, इससे पिछले एपिसोड में मैंने जो अपने बार्न हाउस में पिगीज रखे थे उसमें से एक पिगी प्रेग्नेंट हो गया था और वो बच्चे देने वाला है। अभी तक तो नहीं दिए लेकिन हाँ, और मेल पिगीज को मैंने खिला खिला के मार के बेच दिया था और एक और मेल पिगी ले आया था। उसी के साथ साथ कई सारी मुर्गियां भी ले आया था और उनका घर भी मैंने बड़ा कर दिया था। तो आज के दिन देखते हैं भाई, सबसे बड़ी मिस्ट्री तो यही है कि भाई वो पिगी बच्चे देगा कि नहीं, या फिर पेट में ही पाल पोस के बड़े कर देगा। तो देखते हैं भाई, लेट्स गो। ओके, तो अपन गेम में आ चुके हैं और यहाँ पे अपनी मुर्गियां हैं और इन अंडे। ओए अबे अंडा, ये खिसकता हुआ किधर जा रहा है अंडा भाई? और अंडे खूब सारे दे दिए यार, क्या बात है भाई। रुक जाओ, एक दो तीन, अबे इतने सारे, चार पांच, पांच अंडे कर दिए भाई इन लोगों ने, क्या बात है। ऑफलाइन चला जाता हूँ जब बहुत अंडे देते हो तुम लोग। ओ छठा अंडा अंदर रखा है। मुर्गी मुर्गी इधर हटियो, जरा हटियो, जरा हटी, जरा ये लेने दे, इसको डालता हूँ मैं इसके अंदर। भाई छह अंडे हो चुके हैं, बाकी ये जो इनकी डट्टी डट्टी शिट हो रखी है हटा देता हूँ मैं। जो है साफ जगह पे रहेंगे तो ज्यादा अंडे देंगे, ठीक है। अरे तुम सालो खाते ही रहना जिंदगी भर, ठीक है हट जाओ, तुम्हारे लिए ही डाला हुआ है खाना। और कहाँ शिट कर रखी है तुम लोगों ने? चलो यहाँ तो कोई शिट नहीं है। बाकी बाहर अंडे दिए गए इनने कहीं, इधर उधर इधर उधर अंडे तो नहीं दिए। बाकी इसमें पानी पड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ इनका खाना, लेकिन यार ये खा क्यों नहीं रही है? क्या है भाई, खाना क्यों नहीं खा रहे तुम लोग? अरे फूड बार कम कैसे इनकी? और मेरे पास कितना पैसा है आज? ओके 73 रुपीज है। और भाई लेकिन लोन भी तो चल रहा है मेरे माथे पे यार, लेकिन खाना क्यों नहीं खा रहे? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, क्या चक्कर पड़ रहा है? देखना इन सबकी फूड हेल्थ कम पड़ी है यार, इसमें से खा लोगे क्या? उसमें लाके डाल दूं? अरे यार मेरे को पिगीज का भी हालत देखनी है, पिगीज क्या कर रही है। रुक जाओ, गोल घुमाओ गाड़ी, गोल घुमाओ, एकदम जोर से गाड़ी घुमाओ। गाड़ी घुमा के लगाएंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। और ये खोलो, क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है? गेट, अरे गेट बंद करो, नया पिगी का बच्चा भाग जाएगा ये। ओ अरे भाई, अरे दीदी दीदी बच्चे दे दो ना दीदी, दीदी बच्चे देने नहीं आ रही है, पता नहीं दीदी क्या ही चाह रही है। और ये लौंडे क्या कर रहा है? तू तो छोटा सा है, तेरे को फिर मारूंगा, कोई बात नहीं। खोलो, अरे ओहो यहाँ पे शिट कर रखा। लाओ भाई लाओ, ये खोलो, इसको करो बंद, इसको लेके चलता हूँ मैं वहां पे, ठीक है, ये काम आएगा मेरे। ये मुर्गियों को डालता हूँ भाई, मुर्गियां पता नहीं। अरे हाँ एक और चीज, ये तो बताना ही भूल गया था मैं, ये और लाया था, इसको कहाँ लगाना है? इसको लगाऊं तो लगाऊं कहाँ भाई? कहीं ऊपर लगेगा क्या? ये पेड़ पौधों के पास में लगेगा, पेड़ पौधों के पास में भी नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या ही करूं इसका मैं। बी हाइव लाया था, इसके अंदर मधुमक्खियां कहाँ से लाऊं? चलो अभी देखी जाएगी भाई, बाद में देखी जाएगी, सबसे पहले तो इसको लेके चलते हैं और जो है यहाँ पे पार्क करते हैं। लो भाई खाना खाओ तुम लोग, ठीक है, इसको यहाँ रखो बाटली को, इसको डालता हूँ मैं इसके अंदर। भाई खाना भर दिया है अब। अबे साला सबने खाना खा लिया वहां से, अरे फालतू वेस्ट कराया ना मेरा खाना तुम लोगों ने, गंदे इंसान। चलो कोई बात नहीं, अभी जो है मेरे को जाना है जनरल स्टोर, कई कुछ नई चीजें लेके आता हूँ। थोड़ा बहुत पैसा बचा हुआ ये मेरे पास, तो क्यों ना कुछ नई चीजें लाई जाए। और पेट्रोल भरा के और आना है मेरे को, तो पेट्रोल भी भरा लूंगा मैं, ठीक है, जिससे कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं आए आगे चल के। चलो भाई अभी जनरल स्टोर चलते हैं, देखते हैं 70 रुपए में तो क्या ही आएगा, तो ज्यादा कुछ तो नहीं। शायद एक मुर्गी ले आऊं, 50 रुपए की आती है मुर्गी। मैंने इससे पिछली बार 2 मार दी थी अपने पिगीज को बचाने के लिए, तो मुर्गी भी मेरे को चाहिए, थोड़ा मुर्गी का फार्म हो जाए एकदम बढ़िया सा, तो अंडे मिल जाए बहुत सारे। अरे यार अंडे ला सकता था, यहाँ पे आया ही था तो अंडे ला सकता था, अंडे बेच सकता था मैं, लेकिन कोई बात नहीं। इस टाइम मेरे पास 73 रुपीज है, एक चिकन ले सकते हैं, या तो अपन ले सकते हैं भाई, अपन कुछ नहीं ले सकते, कुछ बढ़िया सा है नहीं इनके पास, बताओ क्या ही लें? ये ट्री वगैरह लें क्या? स्मोकर है और ये है भाई, मैं तो बैग ऑफ वीटी ऐड कर रहा हूँ 2, ठीक है, क्योंकि यही काम आते हैं। और एक मुर्गी, अच्छा यार ये तो ज्यादा महंगा हो जाएगा सिस्टम, मैं बैग ऑफ वीटी ऐड कर रहा हूँ अभी के लिए, तो ठीक है चेकआउट करते हैं और इन दोनों वीट के डब्बों को लेके चलते हैं, क्योंकि फिलहाल मेरे पास खाना खत्म हुआ पड़ा है पूरा का पूरा। मैंने मुर्गियों को डाल दिया थोड़ा बहुत, और पिगीज के लिए चाहिए था तो पिगीज के लिए मैंने रख लिया। अभी चलते हैं अपन बचे हुए पैसों का पेट्रोल भराने, ठीक है। पेट्रोल पंप है यार, कितनी साले क्या गधे के बच्चे हैं भाई ये लोग, पेट्रोल पंप जाने में आधा पेट्रोल खत्म हो जाता होगा मेरा, मतलब कोई बात है ये? चलो कोई बात नहीं, पेट्रोल पंप चलते हैं, क्योंकि मेरे को क्या कहते हैं अपनी बाटली में पेट्रोल पंप भराना है, मैं कह रहा हूँ पेट्रोल भराना है, जिससे कि मैं वुड वगैरह काट सकूं। वुड वगैरह काट के मैं अपना घर बनाना चाह रहा हूँ भाई, अब मेरा घर बने मैं बाहर सोता हूँ, कोई जानवर वानवर आके खा गया ना मेरे को, मैं बताऊँ क्या ही बताऊँ तुम लोग। अरे साला पेट्रोल पंप इतनी दूर बनाया, देख रहे हो तुम मेरी पेट्रोल की लकीर कैसे कम हो रही है, उस पर ध्यान दो, फोकस करो तो ना पता पड़ती है कि कम हो रही है। बाकी अभी के लिए तो मैं यहाँ आ गया हूँ, इसको लगाते हैं यहाँ पे। कितना पैसा है मेरे पास? 30-30 रुपए होंगे यार, ये तो शिट वाली बात होगी। कोई बात नहीं, इसको पहले तो मेरे को है ना इसमें भरना है, इसके अंदर भरता हूँ, क्योंकि मेरे को जो है वो काटना है भाई, पेड़ वेड़ काटनी। लो ये भी आधा भरा है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, कुछ ज्यादा ही बढ़िया नहीं हो गया ये? इतनी दूर आया आधा पेट्रोल भराने, कर लो बात, नहीं कर लो बात, हटो भाई हटो, मेरा दिल टूट गया बहुत गंदी तरीके से, मैं जा रहा हूँ वापिस से। मेरे को ना क्या करने का है, मेरे को कुछ नहीं करने का है। रुक गाड़ी रोक साले, रिलोड कर। अरे रिलोड कर लिया कर यार, जैसे ही मैं बोलूं, अरे आधा घंटा लगाए, भग गया आराम घोर भग गया, प्रॉपर गोली पड़ी थी। हाँ जा रहा है, अरे क्यों जा रहा है भाई, रुक जा।
चलो भाई खत्म, ये खत्म ठीक है। और है क्या कोई सा बताओ, बताओ कोई सा हो और हो तो। और भाई मैंने देखा है अगर एक हिरन को मरा पड़े रहने देते ना तो उसके बगल में दूसरा आ जाता है, इसको मरा रहने दूंगा, इसको मरा रहने दूंगा, मजा आ जाएगा, दूसरा हिरन आ जाएगा, बाकी यहाँ पे कोई है नहीं। चलते भाई उस हिरन के पास देखते हैं, एक और आता है तो ठीक है, वरना तो हाँ मारा था, मारा कहाँ था मैंने, अरे नहीं जी लो अब मेरे को ये नहीं मिलेगा कि मैंने मारा कहाँ था, उस यही कहीं तो मारा था। गाइस क्या तुम्हें हिरन दिख रहा है, बेबे धूप आ गई एकदम से, कौन से नशे करता है ये गेम वाला, ज्यादा आगे तो नहीं मारा यार, यही कहीं मारा था, क्या पता भाई वो मेरे को मिल ही नहीं रहा है, छोड़ो मैं चल रहा हूँ, मैं चलता हूँ यहाँ से, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता सालों को, सुकून मेरा, सुकून मेरा, सुकून देखा नहीं जाता भाई इन लोगों से, क्या पता भाई कहाँ मार दिया हिरन, एक तो मैं हिरन मार के भूल जाता हूँ, कोई बात नहीं किसी दिन मिलेगा तो फायदा करेगा भाई, क्योंकि शायद कोई खाना तो नहीं चाहिए जानवर, मैंने मारा है, मेरी अमानत है। अभी चलते हैं जल्दी से और सोते हैं, कल का दिन देखते हैं भाई, कल के दिन मेरे को घाटा और होने वाला है, क्योंकि ना क्या कहते हैं वो हो जाएगा लोन वगैरह चुक जाएगा, ये लो हो गया क्रेडिट हो गया -43 का, ले भाई उठ जा साले, सोते ही रहेगा पूरे जीवन में, कहां गई मेरी गाड़ी, कहां गई बोरी गाड़ी, यहाँ पे खाना वाना तो पूरा होगा, तुमने दिए क्या मुर्गी, अरे उठ जाओ सालो उठ जाओ, सुबह हो गया, लाओ ये दो, पहले तो छेंडो की ये दो, इसको बेच के आएंगे थोड़ा बहुत पैसा आएगा, ठीक है इसको यहाँ रखो, बाकी चलते हैं यहाँ पे, चलते हैं यहाँ जाके देखते हैं भाई इनका क्या चल रहा है, लाइट बंद करो पहले, लाइट बंद करो, हाँ भाई अब बताओ क्या चल रहा है तुम लोगों का, अरे बाहर नहीं जाना, ओ ये भी मोटा हो गया भाई, ये दूसरा बंदा था, अरे दीदी यार तुम बच्चे नहीं दे रही, नहीं कह दो नहीं दूंगी मैं, मना तो करो कम से कम, आस बना के तो नहीं बैठे रहे, हमारी कब से आशा चल रही है बच्चे आएंगे बच्चे आएंगे बच्चे आएंगे, बच्चे आ ही नहीं रहे, बच्चे देने ही नहीं हो रही, इसको तो पहले अनलोड करो ठीक है, इसको रखो यहाँ पे, इसको उठाओ, इसको करो बंद, लो भाई खाना खाओ तुम सालो, खाना खाते रहो तुम, कुछ करना मत जीवन में, ये लो भर दिया, ये भी भर दिया मैंने, पानी अभी खूब पड़ा हुआ है, ठीक है तू क्या कर रहा है साले, तू बड़ा तो हो गया और बड़ा हो जा थोड़ा सा, ठीक है फिर तेरे को काट के बेचाऊंगा, चलो ये बंद करो, अभी मेरे को जो है थोड़ा बहुत है ना लोन चुकाने के लिए पैसा चाहिए, और ये यहाँ पे क्या हो रहा है सालो, ये भी तो लगाया था मैंने यार, ये नीचे नीचे का काम पूरा होता जा रहा है, ऊपर का कुछ नहीं हो रहा है, देखना सनलाइट मिल रही है बाकी जीरो जीरो, इसको बढ़ाना कैसे, पानी डालूं क्या, अरे जनरल स्टोर पे मैं पूरी चीजें भी तो नहीं देखता क्या क्या है, क्या पता पानी डालने का कोई सामान हो वहाँ पे, बाकी मेरी मुर्गियां उठ चुकी हैं इस टाइम पे, मुर्गियों क्या हाल है तुम्हारे, अंडे मत देना तुम बिल्कुल, एक अंडा मत दे देना गलती से भी, लाओ भाई आज पैसे कमाने की जुगाड़ देखने दो, पैसा नहीं है आज के दिन मेरा, खर्चा हो गया सारा, पैसा मेरे को मिल सकता है डायरेक्ट हिरन ढूंढ के, ठीक है एक हिरन मार रखा है मैंने, उसको बाद में देखूंगा, अरे यार उसी के पास चलता हूँ, कोई ना कोई तो बंदा आ रखा होगा, रुक जाओ यहीं कहीं मारा था भाई, अब बताओ किधर है वो हिरन, साला कहाँ गायब हुआ है ऐसा, ये दिख ही नहीं रहा है, ओ वो रहा, अरे दिख गया मेरे को, दिख गया सामने मरा पड़ा है भाई, रुक जाओ गाड़ी लेके आ दो, गाड़ी लेके आ दो, सीधा जाने का है मेरे को, बड़ा दूर मारा यार उसको, इधर से जाना है मेरे को, इधर की साइड सीधा ठीक है, और यहीं कहीं मिलेगा मेरे को, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, इधर 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 ये रहा भाई, यहाँ मारा था इसको, देखना पता नहीं कितनी दिन से ढूंढ रहा हूँ तेरे को, पता है तेरे को साले, पैसा कमाना है मेरे को, पैसा चाहिए, ला इधर, इसको रखो इधर, इसको रखो इधर, इसको रखो इधर, चलो भाई अभी और हिरन ढूंढते हैं, इसके बाद अपन चलेंगे जनरल स्टोर ठीक है, और जनरल स्टोर के बीच में मिल गया हिरन, साला हिरन को मार देंगे, रुक जाओ अबे तेरी, साले हिरन देखता हो जा रहा हूँ ना मैं साइड में, ओले कोई नहीं मिला भाई, कोई सा हिरन नहीं मिला आज के दिन मेरे को, अभी वैसे 10 ही बजे और आ जाएगी बारिश, इसकी ऐसे बारिश हो रही बहुत भयंकर, मेरे को ये देखने दे, सेल करो पहले तो वाइल्ड मीट और अंडे सेल करके 81 रुपीज आ रहे हैं, जिसमें 40 रुपए बचेंगे मेरे पास, ठीक है अभी बाय में चलते हैं, मुझे बता इसमें कोई वो है पानी वानी डालने का, कोई शावर वगैरह है, कुछ नहीं है, स्प्रिंकलर है कुछ तो, कंपोस्टर है, स्प्रिंकलर है, लेकिन यार ये तो बड़ा पेड़ वेड़ उगाने में काम आता होगा ना, एक स्प्रिंकलर लेके जाऊं क्या, 30 रुपए मेरे पास पूरे है भाई, बताओ कोई बात है, अब पैसे इकट्ठे होने दो भाई, वापस पिगी लेके जाऊंगा एक और, ठीक है पिगी लेके जाऊंगा, पैसे आने दो मेरे पास, रुकिए वही मैडम इधर ही रहो आप, मैं आता हूँ, अरे बारिश भाई बहुत घटिया मौसम लगता है मेरे को यहाँ, साले ऐसे पहाड़ी एरिया में और रहता हूँ, बारिश आ जाती है जब मर्जी आती है, अब मुझे भाई इसमें ही देखना इसमें और क्या डाल सकता हूँ मैं, गाइज मैं कर लेता हूँ ना, मैं क्या ही बताऊँ तुम लोगों को, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रखी थी, मुझे नहीं पता किसने बंद करी, और मैंने क्या क्या कर दिया, मतलब ज्यादा तो नहीं कराया देखो, लेकिन कर दिया है, तुम देखो आओ, मैंने भाई ये देखो मैं कुछ नई चीजें लाया था, मेरे कंटेनर में पानी खत्म हो गया था तो मैं पानी की बकेट ले आया था, एक मेरा लोन थोड़ा सा बचा है, मतलब 100 तुम्हारे सामने शायद 200 का लोन बचा था मेरा, अभी 200 का लोन नहीं बचा है, 160 का लोन बचा है, बाकी और मैं बताता हूँ क्या करा है मैंने, मैं एक बार पूरी क्रॉप बेच के आ गया हूँ, एक बार पूरी की पूरी क्रॉप्स बेच के आ गया हूँ मेरा, और ये भाई ये हिरन पता है, हिरन क्यों मुझे बड़े नहीं लग रहे हिरन, मैंने और भी पीछे से भी बहुत काम करा है, मेरा ऐसी पैसा नहीं आया इतना सारा मैं बताता हूँ, और बच्चा हो गया भाई, बच्चे हो गए, गाइस मिठाई खाओ बच्चे हो गए, मैं बताता हूँ किसके बच्चे हो, बच्चे बड़े भी होने लग गए, बच्चे बहुत छोटे छोटे हुए थे भाई, ऐसे पिद्दी पिद्दी से हुए थे बच्चे, ऐसे पिद्दी पिद्दी से, अरे पूरी स्टोरी सुनानी पड़ रही है स्टोरी टाइम, और ये आदमी बड़ा हो गया है, और यहाँ पे मैं बहुत सारा खाना भी ले आया था, और एक और चीज मैं हंटर बाबू के पास गया था ठीक है, हंटर बाबू ने मेरे को रैबिट लेने भेजा था, तो मैं रैबिट तो ले आया था, और उन्होंने 200 रुपए दिए थे, उसी से मेरा भाई पालन पोषण हुआ, मैं सबसे पहले उसी के पास गया था, हाँ सबसे पहले
रियल स्टोरी है वो। और ये दो चीज और लाया था मैं, ये दो चीज और एक स्प्रिंकलर लाया था, ये देखो बीच में लगा हुआ। लेकिन इस स्प्रिंकलर से मुझे पता पड़ा कि स्प्रिंकलर तभी काम आता है जब अपने यहाँ पे विंड मिल हो, और ये स्प्रिंकलर स्प्रे करता है पानी, जो मैं देख नहीं रहा था, जो तुमने लास्ट टाइम देखा होगा, मतलब जहां से क्लिप कट हुई वहीं पे था, मैं स्प्रिंकलर ले रहा था, वहीं से मैं स्प्रिंकलर लाया था। उसके बाद मैं गया हूँ हंटर के पास, उसके बाद मैं रैबिट वैबिट पकड़े हैं मैंने थोड़े बहुत, ठीक है। और फिर मेरे पास पैसा आ गया था हंटर्स के 200 रुपए देने के बाद, तो मैं फर्टिलाइजर और ले आया था शायद, हाँ। और फर्टिलाइजर का जादू दिखा रहा था मैं तुम्हें, जादू मैं दिखा चुका पिछली वीडियो में, लेकिन वो वीडियो कट गई। ये देखो अब मैं फर्टिलाइजर इसमें डाल दूं, डल गया। अभी कितना फर्टिलाइजर है? 6.5। अभी मैं इसके अंदर डालूंगा। ये कंटेनर है, कूलर है, कूलर ये है, कूलर ये मिलता है जनरल स्टोर पे, तो ये कूलर को यहाँ रखा। और ये मैं इसमें है, ये काम तो ये आता है कि इसमें ये जो टमाटर वगैरह उगेंगे ना, तो उसमें रख लो। इससे पिछली बार मेरे पास ये था नहीं, तो मैंने टमाटर एक एक तोड़े हैं और एक एक इसमें रखा है, पूरी रेडी लगाई है मैंने प्रॉपर टमाटर की रेडी। और बोलता हुआ गया हूँ टमाटर ले लो वो टमाटर, ठीक है। और फिर वहां जाके टमाटर बेचे, 196 रुपीज के टमाटर बिके भाई। कितने टमाटर थे मुझे ये तो पता नहीं है, लेकिन 169 टमाटर बिके। उसके बाद मैंने ये कंटेनर लिया क्योंकि मैंने जादू देखा था एक ऑनलाइन, इसको उठाओ। अभी देखो इसमें कितने 6.5 है ना, और कम कर देते हैं, कहीं फर्टिलाइजर की जरूरत है उसमें डाल देता हूँ मैं, रुक जाओ। अरे ये कंटेनर खाली हटाना, हाँ मैं पेट्रोल भी फुल करा के ले आया हूँ बीच में। इसको इसमें डालो, इसको इसमें डालो, इसको इसमें डालो। देखो अभी मेरे पास कितना बचा है, अभी 5 बचा है ना सिर्फ, अभी मैं इसमें डाल दूंगा, ठीक है। अब इगड़म बिगड़म बींग बू, अभी वापस ले लूंगा मैं। और यार 7 में से 7 जादू है, ये जादू सीखा था मैंने ऑनलाइन, जादू सीखा था मैंने। ऐसे इगड़म बिगड़म करना होता है, तुम भी करना, तुम्हारे भी हो जाएगा। कूलर में डालना पड़ेगा, लेकिन दो चीज चाहिए होगी, फर्टिलाइजर और कूलर, ठीक है। और तो मैं क्या ही बताऊं, बस यही सब हुआ था पीछे से तुम्हारे। और हाँ ठीक है ठीक है, मैं रैबिट पकड़ के लाया उससे, ठीक है, रैबिट के 200 रुपए लिए। उसके बाद मैंने उससे नया चैलेंज लिया, वहां पे 3 चैलेंज आते ना, एक तो प्रीडेटर किल और एक आता है रैबिट, एक आता है हंट, तीनों ही थे। मैंने रैबिट वाला पूरा करा, उसके बाद ही प्रीडेटर किल वाला मैंने ले लिया उससे। अब इसके अंदर मुझे किन को मारना है वो सुनो, इसके अंदर मुझे मारना है बियर और वोल्फ, जो कि मुझे अभी तक दिखे नहीं भाई। प्रीडेटर्स मतलब होता है जो एक दूसरे को खाते ना, जो जानवर दूसरे जानवर को खाते हैं। ये देखो ये ऐसे डोल रहे हैं क्योंकि मैंने इनको भी बहुत मार लिया है, इनको बहुत मार लिया है भाई, तब इतना पैसा वैसे ही नहीं आया। लेकिन इतना पैसा आया कहां से भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा लोन चुका कैसे। 200-300 का लोन था वो चुक गया, मतलब 160 का बचा है। और मैं इसको एक गोली में मार देता हूं, ऐसा होने लग गया आजकल मेरे से, ठीक है। एक गोली में उसको उड़ा दिया मैंने, बाकी तो मैं क्या बताऊं, इतनी स्टोरी थी भाई उस वीडियो में, इतनी स्टोरी थी, घंटे भर खेला होगा मैंने, घंटे भर की क्लिप नहीं है मेरे पास। और ये यहां पे बच्चे बड़े होने लग गए, बच्चे पिद्दी पिद्दी से आए थे, और जब से बच्चे आए हैं जब से खाना बहुत खाते हैं भाई, इतना दबा दबा के खाना खाते हैं, मैं क्या ही बताऊं साले। लेकिन ये दोनों बड़े हो गए, ये तो माँ ही है, ठीक है, वो वापस बच्चे देगी, वो वापस बच्चे देगी, शायद ये वापस माँ बन गई है कि माँ ही रहेगी, अभी मेरे को नहीं पता, लेकिन ये शायद वापस बच्चे देगी। और वो इसलिए जानता हूं मैं क्योंकि ऊपर देखो एक निशान आ रहा है, ये देखो इसके पास ये जो निशान आ रहा है ना बगल में, इसका मतलब प्रेगनेंट। तो अभी ये रही हमारी स्टोरी जो कि पूरे 5 मिनट में खत्म हो गई, घंटे भर की वीडियो थी। अब मैं क्या करूं, हां ठीक है आगे करता। और भाई मैंने अभी टाइम देखा, ये 1 घंटे की स्टोरी नहीं, ये 1.5 आवर की स्टोरी थी, ठीक है। और अभी जब तक इनका मैं क्या डालने वाला था, यहां कुछ नहीं डाल रहा था, मैं जा रहा था आगे का काम करने। अब आगे का मतलब 1 सेकंड में धूप आ जाती है, 1 सेकंड में छाऊं, चक्कर क्या है। बाकी भाई ये उग रहे हैं पेड़, उग रहे हैं, उगने दो इन पेड़ों को। और ये क्यों नहीं उग रहे हैं पेड़, यहाँ पे देखो ये ग्रोथ हो रही है ना, ये जो वाली ना, ये भी मैं सब कुछ समझाऊं भाई बीच में। ये देखो ये जो ग्रोथ हो रही है, ये बीच वाला जो ग्रीन वाला ना, वो ग्रोथ है, उसके ऊपर फर्टिलाइजर है, उसके ऊपर वाटर है, और ये इसलिए ग्रोथ नहीं हो रही क्योंकि पानी नहीं है। अरे पानी लेके आओ, पानी लाऊं कहां से, लेकिन मेरे पास तो वही नहीं है खाना पीना। अच्छा वो अंडे, अंडे की ट्रे, अंडे बेच आएगा मैं, अंडे भी हो गए, 6 अंडे हो गए थे, अंडे रखे होंगे, रुक जाओ मुझे देखने दो जरा, अंडे रखे होंगे कहीं ना कहीं, इधर ही कहीं होंगे, 1 सेकंड रुको, यहाँ कहीं अंडे हैं, हाँ रखे रखे रखे, अंडे रखे, इसमें हैं 6 अंडे, 6 अंडे भाई, पूरे 6 अंडे हैं, 36 रुपए आएंगे, 36 में 30 रुपए की मैं ले आऊंगा बाटली, पानी की बाटली, क्या कहते हैं कितने की आती है, 30 रुपए की आती है, और एक तो मैं खाली कर चुका हूँ जो तो। अरे मैं वो क्यों नहीं लेके जा रहा हूँ, वहाँ मीट भी तो पड़ा है कटा हुआ भाई। ये बहुत बार होता है मेरे साथ, ये पूरी वीडियो में होता है मेरे साथ, वीडियो कह रहा हूँ पूरे गेम में होता है मेरे साथ, यहीं कहीं मारा था मैंने, ये रहा। और ये बहुत पहले से डोल रहा है, यूं नहीं मेरे पास गोलियां खत्म हो गई थी और पैसे नहीं थे, ये बहुत पहले से डोल रहा है ये एक बंदा यहाँ। अब मैंने मार दिया आखिरकार, मैं ले आया था लास्ट टाइम पे गोलियां, लाओ भाई इसको रखो यहाँ, अरे रख दे नहीं गुरु, इसको उठाओ, इसको रखो यहाँ पे, ठीक है। अभी चलते हैं डायरेक्ट जनरल स्टोर, बीच में कोई और मेरे को पता नहीं ये क्या कहते हैं, हिरन भी बहुत दिखने लग गए हैं, हिरन मैंने कम से कम मारे होंगे 3 और 3 6 हिरन मारे होंगे भाई, मैंने आराम से 6 हिरन मारे मैंने, पूरे 6 से ज्यादा ही मारे होंगे। अभी चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इसको रोको, इससे रुपए आ जाएंगे मेरे पास, अभी एक ही हिरन है ना, 45 + 36 इतने रुपए आएंगे, देख लो भाई तुम गुणा भाग लगा लो, मैं पहले इसे बेच लेता हूँ, ये खुद बता देगा, 81 रुपीज आए मेरे पास, ठीक है। अभी बाय में चलते हैं और ये खरीद लेते हैं, एक वाटर चाहिए मेरे को, और इसके बाद मेरे को चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए भाई, अब मैं पैसे इकट्ठे करूंगा, ठीक है। इन दोनों को खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था, गायों को बैल पे शायद मैंने तुम्हें उंगली करी, लेकिन मेरे को गाय खरीदनी है। और चलते हैं अभी, बाकी ज्यादा कुछ तो नहीं किया भाई, यही सब जो बताया मैंने यही किया था। इसके बाद पानी वानी डाल दूं जरा, तुम लोगों को दिखा दूं फसल कैसे उगती है, फसल तुमने देखी तो होगी ना कैसे उगती है। अब तुम बोलोगे फसल पे चढ़ना, ओ नहीं चढ़ी भाई, नहीं चढ़ी, ऐसे चढ़ जाती तो पता नहीं क्या होता, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने चढ़ाई नहीं जान। चलो भाई पानी इकट्ठा करते हैं, और
ना यहीं कहीं दिख जाने चाहिए। मैंने नेट पे देखा था प्रीडेटर्स यहीं कहीं दिख जाते हैं ऐसे अगल बगल में, मुझे तो आज तक एक नहीं दिखा भाई। और कह रहा है वुल्फ और बियर है जिसमें से बियर आसानी से दिख जाएगा, वुल्फ नहीं दिखेगा। बाकी ठंडी आ गई है अभी, एक सेकंड में ठंडी आ जाती है, एक सेकंड में गर्मी आ जाती है। कहा है भाई पानी दो तुम मेरे को, पानी डालने दो इसमें, पानी लो पानी लो पानी लो पानी लो पानी लो पानी लो पानी लो, पूरा पानी फुल करके रखूंगा जिससे जल्दी जल्दी हो जाए। फर्टिलाइजर तो अब अनलिमिटेड हो गया, पहले मैं पता है एकदम धीरे धीरे करके इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि मेरे पास वो तो था नहीं कूलर, तो मैं एकदम आराम आराम से यूज कर रहा था फर्टिलाइजर। रुक जाओ पानी खत्म हो गया। हाँ अब मैं कह रहा था फर्टिलाइजर मैंने सब में सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज करा था, उसके बाद मैंने फर्टिलाइजर यूज ही नहीं करा क्योंकि मेरे पास इतना था ही नहीं। अब तो अनलिमिटेड है मेरे पास फर्टिलाइजर, लेकिन अब यूज नहीं करूंगा भाई। ज्यादा फर्टिलाइजर डालने से भी ना जल जाते हैं, लेकिन ज्यादा फर्टिलाइजर डालने से बहुत तेज ग्रोथ नहीं हो रही इनकी। अच्छा हाँ भाई 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 सुनो मेरी बात सुनो, देखो बात ऐसी हुई थी कि ये जो नीचे की देखना इसमें देखना जो ग्रीन लाइन है ना उसमें ग्रोथ होती है और फर्टिलाइजर और वाटर कम होते हैं तब इसकी ग्रोथ होती है। देखो ये देखा तुमने, अभी ग्रीन हुआ ग्रीन बढ़ा तब वो दोनों घटे, तो अगर फर्टिलाइजर नहीं डालोगे ना तब भी ग्रोथ तो होगी, कोई भी एक चीज डालो तो ग्रोथ होगी। पानी डालना जरूरी है, फर्टिलाइजर डालो मत डालो, पानी डालोगे तो ग्रोथ होगी लेकिन धीरे होगी, फर्टिलाइजर डालोगे तो जल्दी होगी। अब समझ में आई, फर्टिलाइजर बनता है, पूरा फर्टिलाइजर भर दो सालों में, बाकी उसमें पानी नहीं। अरे पानी दो ना यार, पानी दो पानी दो पानी दो पानी दो पानी दो पानी दो। अरे गाड़ी गाड़ी में बैठ गया आराम, गाड़ी में बैठ और गाड़ी को पीछे लाओ, पानी और किसमें दे रहा, पूरा पानी भर के रखूंगा भाई। अब तो इसी से अभी अब तो गाइस इसी से ना अपनी बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि बढ़ोतरी हो जाएगी क्योंकि मैं और बनाने वाला हूँ और इससे खूब पैसा आ रहा है। देखो ये इसके अंदर मिलेगा अपने को, और अब मैं ग्रीन हाउस वाला भी बना सकता हूँ, लेकिन इसके लिए ग्लास लेके आना पड़ेगा मेरे को हार्डवेयर शॉप से। मैं लार्ज क्रॉप्स उगा लेता हूँ और मतलब लार्ज पॉट्स बना लेता हूँ, दो सीड पड़े मेरे पास टोमेटो की, इसके अलावा मैं और सीड लेके आऊंगा। अभी लेने गया था मैं लेकिन पैसा था नहीं मेरे पास पूरा, इसको रख देता हूँ यहाँ पे ठीक है। एक बाकी मेरा हनी पैड पड़ा हुआ है ऐसे ही इसके अंदर, हो ही नहीं रहा है। हनी बीज कहाँ आएंगी मुझे बताओ जरा कमेंट्स में। इसको लगाते हैं यहाँ पे, और अब तो बहुत सारे बना लूंगा, प्लैंक ही तो काट के लाने होते हैं इसके लिए। छोड़ो जितने भी हैं, दो ही सीड्स मेरे पास एक्स्ट्रा, 18 प्लैंक लाने। मेरी ऑटो कहाँ है भाई, ऑटो इधर, ऑटो में भरते हैं थोड़े बहुत प्लैंक्स और लेके चलते हैं। लो भाई काटो पेड़ काटो, और इसको चॉप करो, इसको भी करो इसको भी करो इसको भी करो, और इसको उठाओ और ऑटो में भरना स्टार्ट करो। ऑटो कहाँ गई मेरी, ऑटो कहाँ गई, इसको चॉप करो पहले ऑटो। ये इसमें से ये बकेट उठाओ, बकेट को रखो इनके बीचों बीच, और इन्हें दिए क्या अंडे, ओ वापिस आ गए गाइस, वापिस आ गए, तीन अंडे वापिस आ गए। चलो 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 इन अंडे को भी बेच के आएंगे बाद में, पहले ना मेरे को पॉट्स बनाने, क्योंकि अब मेरे पास फर्टिलाइजर भी है वाटर भी है, वाटर में और ले आया करूंगा, वाटर की दिक्कत नहीं है। बस अब इसको उठाओ, इसको रखो यहाँ पे, इसको रखो यहाँ पे, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, एक से तीन तीन प्लैंक बनते हैं शायद, तो उस हिसाब से देखो मेरे पास कितने प्लैंक हो गए नीचे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस मतलब 30 प्लैंक हो गए, और 30 में काम चल जाएगा क्या, 30 में नहीं चलेगा, 40 प्लैंक चाहिए मुझे कम से कम ठीक है। तो और रख लेता हूँ मैं, और अब तो प्लैंक मैं खरीद के भी ला सकता हूँ भाई, अब मैं अमीर हो गया हूँ ठीक है, अमीरों से लड़ा नहीं करते। इधर अब हो गए कितने हो गए प्लैंक, ठीक है भाई जितने उतने बहुत है, इनको लेके चलते हैं। और मेरी अरे यार वो बाटली भी तो वहीं रखी होगी, पेट्रोल वाली बाटली भी लेके आनी पड़ेगी मेरे को। इसको लगाओ यहाँ पे और ये उतारो सारा माल, चल इसको करो ऑन, इसको उठाओ, इसको यहाँ लगाओ, और मशीन कर देता हूँ अभी के लिए बंद क्योंकि मेरे को वो लेके आनी है बाटली। पेट्रोल की बाटली अपनी रखी यहीं कहीं तो रखी थी, ओके एरी पेट्रोल की बाटली उठाओ, इसको रखो यहाँ पे, और इनको किसी चीज की जरूरत है क्या, ओके पानी फुल है और फर्टिलाइजर फुल है, उधर की साइड थोड़ा कम हो गया है बाद में दे देंगे। इधर चलते हैं और इधर इनका इनका हाल, अबे नहीं अरे भग गया छोटू दादा भग गए हैं अपने, ये प्रेग्नेंट है, बाकी पानी है खाना है। लो भाई छोटू दादा को पकड़ के लाऊं मैं, छोटू दादा इधर जाना है तुम, अरे कहाँ ऑटो के नीचे घुस रहा है, अंदर अंदर काम करे, खाना पीना खा साले, हलाल करूंगा तेरे को बड़ा हो पहले। चलो अभी मैं चलता हूँ फटाफट से ये लेके पेट्रोल की बाटली, और अब मेरे को भाई आज की रात बस एक ही काम करना है, आज की रात तो क्या मैं सोई जाऊंगा, आज की रात तो कल करूंगा काम पाम। तो इसको लगाओ यहाँ, ये करो ऑन, इसको करो ऑन। चलो भाई अब अपनी ये मशीन चालू हो चुकी है, अब ये नहीं रुकेगी, इसको निकाल लो, इसको निकालो, मैं सो जाता हूँ भाई, सो जाता हूँ, ये तो काम चलता रहेगा, रात भर काम चलेगा, मैं सो जाता हूँ। गुड नाइट गाइज, आज के लिए आज की रात के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। गुड मॉर्निंग गाइज, एकदम सुबह हो गई है जोर से, और अपना जो काम भी जोर से चालू कर देते हैं अपन ठीक है। ये लोग मिलते हैं भाई, ये सब काटने के बाद ही मिलते हैं अब तुम लोगों से, और तो क्या बताएं। हां भाई लोंडो क्या कर रहे हो तुम, ये दिखाना ठीक है। अंडे उठा लेता हूं भाई, सब सो रही हैं, सोते सोते मैं अंडे उठा लेता हूं लोगों के। और अरे मशीन चल रही है मेरी, फालतू मशीन चलनी नहीं चाहिए फालतू। चल भाई हाँ, अभी इसको उठाओ, अंडे को इसमें रखो, और कोई अंडा थोड़ी बचा है यार, इतने छोटे छोटे से अंडे देते हो, पहले तुम ज्यादा दे दिया करो ना, क्या दिक्कत है। ज्यादा अंडे नहीं दिए जा रहे भाई, किसी से ना दिए जा रहे ज्यादा अंडे, घटिया लोग हैं। लो भाई कितने प्लैंक बने ये बताओ मेरे को, 18 प्लैंक चाहिए मेरे को, ज्यादा नहीं चाहिए तुम लोगों से, 18 प्लैंक दे दो, 18 दो पैक, 18 कितने हुए बताओ, 32 नहीं 36 हुए भाई। गाइस थोड़ी गणित कमजोर है मेरी, क्या ही बताऊं। लो भाई इसको उठाओ यहाँ पे दो, अब देखते हैं भाई एक में कितने आते हैं, एक दो, अरे दो ही आते हैं, मैं तो तीन के हिसाब से लाया था, शिट हो गई गाइस थोड़ी सी। कोई बात नहीं, देखी जाएगी जितने निकलेंगे निकल जान दो। एक में 8 आते हैं मैं इतना जानता हूँ ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 हो गए
गए मेरे जहाँ तक 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 23, 24 अभी कितने बचे हैं 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 अरे भैया अरे नहीं ठीक है थोड़ी बहुत तो हो ही जाएंगे, थोड़ी बहुत और ले आऊंगा मैं। ये हो गए गाइस 30। अभी मैं इधर पड़ा है ये हो गए 2, 2, 4 ठीक है 8 लाने ना शायद मेरे, नहीं 4 में काम हो जाएगा। ठीक है हो गया भाई, हो गया काम, एक वो पड़ा एक ये पड़ा मेरे हाथ में, ये हो गया काम। चलो अभी इन सबको उठाते हैं, इतने सारे हो गए भाई, कितने सारे हो गए, और इनको जमाते हैं इनके बगल में। चलो मशीन करो बंद और ये हो गया अपना फिनिश। चलो भाई ऑटो में बैठो, ये मैं लेके आ गया हूँ सारे प्लैंक यहाँ पे, और इनको रुक गाड़ी रोक साड़े, ये उठाओ इसको, इसमें डालो इसको, उठाओ इसमें डालो इसको, उठाओ। अरे यार ये तो यहीं खत्म हो गए, ये क्या चक्कर है, 18 ही तो चाहिए थे एक को, मैं इसी हिसाब से लाया था। अच्छा 12 और इसमें हो जाना चाहिए, इसमें हो जा प्लीज, 3, 2, 1 हो गया मैं इसी हिसाब से लाया था, मुझे पता है। इसको रखो यहाँ पे, इसको डालो पानी को, इसको चाहिए था पानी, इसमें चाहिए था पानी, इसमें चाहिए था पानी, इसमें चाहिए था पानी, ये लो फुल कर दिया मैंने पानी। जब तक तू और भर, मैं अंदर से जाके सीड्स लेके आता हूँ, यही रखे थे ये टमाटर की सीड है भाई, कोई महंगे सीड लाऊं तो शायद महंगा और महंगा सामान मिले। तू कहाँ चढ़ा है, ये चढ़ने की जगह है, ये चढ़ने की जगह साले, तेरे पे तो रहम भी नहीं करूंगा मैं, तू मां थोड़ी। ओके ये कौन है, अरे रुक ये भाई, जल्दी जल्दी बच्चे कर दो बस, और बच्चे तुम जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ बस, दिस मच आई नीड। बाकी इसमें सीड डालो, इसमें सीड डालो, और दो ही सीड थे 10 क्रॉप उगानी थी, चैलेंज कंप्लीट हो गया। पानी भरो सब जगह पानी भरो, इधर पानी डालना है क्या किसी में, ठीक है इधर किसी में पानी नहीं डालना है, इसको यहाँ पे लगा देते हैं। और अभी क्या कहते हैं, इसमें मेरे को क्रॉप्स लेके आनी है, और क्रॉप्स इस बार ढंग की लाऊंगा यार, पानी अंदर रखाऊंगे, थोड़ा बहुत पानी अंदर खत्म हो गया, बोल पानी खोलो, इसको बंद कर दे अंदर, बाहर भग जाएगा पिगी अपना। इसको डालो इसके अंदर, इसको खोलो, इसको करो बंद, इसको लगाओ वापस से यहाँ पे। ओके गाइस ये सब उगना चालू हो चुके हैं, इधर फर्टिलाइजर और डालना है मेरे को, फर्टिलाइजर किधर, अब इसी में रख दिया क्या मैंने फर्टिलाइजर, कोई अरे साला गाड़ी के नीचे दबा पड़ा, इधर इसमें डालो ठीक है, फर्टिलाइजर मैंने डाल दिया है। अभी मेरे को सीड्स लेके आने हैं, मेरे पास बैलेंस है 20 रुपीज, 20 रुपीज कौन सा सीड आता है, कौन सा गधा सीड दे रहा है मेरे को, छोड़ो अभी। अरे गाइस टमाटर उग गए हैं एक पेड़ में, देख पा रहे हो क्या तुम, और मैंने ना पता ये पहले कैसे रखे थे, अब मैं बताता हूं तुमको, ये देखो मैंने पता है कैसे रखे थे, ये मैंने उठाए और ये मैंने रखे, ऐसे रख रहा था मैं पहले सीड, समझ में तुम लोग, भाई हो ही गया, लो अभी मेरे पास पैसा आएगा 195 सारे होने वाले मेरे जहां तक, ऐसे उठाता था मैं, और अरे गिर गया सामान गिर गया, ऐसे रख पूरे में जमाए थे भाई, रेडी बनाई थी मैंने ये, लेकिन अब मैं शायद इसमें उठा सकता हूँ, रख सकता हूँ क्या, ओके पिकअप, अरे ई टू पुट इन, अरे यार ये डायरेक्ट उठाता नहीं है क्या इसमें से, क्या पता भाई, अब इसमें रखना पड़ेगा एक एक सामान, इसको उठाओ इसमें रखो, इसको उठाओ इसमें रखो, इसको उठाओ इसमें रखो, ठीक है ऐसे करके मैं ले जा सकता हूँ सामान सारा, उग जाने दो ये तो मैंने पूरा हार्वेस्ट, अच्छा ये तो चालू ही अब हुआ है, और एक पेड़ को मैंने शायद पूरा हार्वेस्ट कर दिया, कौन सा पेड़ था, यही पेड़ है क्या वो स्टार्टिंग वाला, और ये उगना चालू क्यों नहीं हो रहा, ये उग ही नहीं रहा है। फर्टिलाइजर लाओ दोबारा, फर्टिलाइजर लाओ, किधर है फर्टिलाइजर, ज्यादा डाल दिया इसलिए कहीं मर तो नहीं गए पेड़, भाई इसको कूलर में रखने दो वरना खत्म हो जाएगा। चलो अभी सब में सब कुछ है, इसमें नहीं है कुछ भी, इसको रखो यहाँ पे ठीक है, और इसके अंदर डालना है मुझे पानी लो और पानी डालो, पानी ले लो। चलो अभी इसमें जितने टमाटर हैं, 4 टमाटर हैं भाई, 4 में काम नहीं चलेगा, पूरे लेके चलेंगे, इसको उतार देते हैं नीचे, सारे जब हो जाएंगे ना तब बहुत सारा पैसा मिलेगा, जब तक मैं क्या कह रहा हूँ किसी को हलाल करा जाए यहाँ पे। अरे बंद, वो भैया बहुत बड़े हो गए हैं, भैया से चला नहीं जा रहा है, दीदी तुम तो बड़ी होती रहो, तुम्हारे कोई दिक्कत, भाई इसको मार दूं क्या, क्या कहते हो यार, और बड़ा होने देते हैं, जब तक ना मुझे थोड़ी बहुत और वुड काटनी है, मैं वुड कलेक्ट कर लेता हूँ ठीक है, वुड कलेक्ट करने के बाद, अच्छा यही पड़ी है, ये इस पेड़ को काटो और इसके अंदर भरो। अरे गाड़ी मत हिलाओ मेरी, गाड़ी आगे लेके चलो, यहाँ पे पड़ा है थोड़ा बहुत वुड, इसको और भरना है, इसको तोड़ो, इसको खोलो और यहाँ पे भरो। चलो भाई गाड़ी पूरी भर गई है मेरी डिपो, चलो भाई इसको लेके चलता हूँ मैं फटाफट से उस कटर के पास, और उतार के आ जाता हूँ, मेरे पेड़ वगैरह उग गए होंगे सारे ठीक है, बहुत टाइम हो गया इनको कलेक्ट करता हुआ मेरे को, इसको उतारो, सबको उतारो, एक एक उतार के रखो यहाँ पे, ये मैंने सारे उतार दिए, इस मशीन को चालू करो, इसको लगाओ, ये यार काट के चलूं क्या, रुक जाओ भाई काट के नहीं चल रहा मेरे को ना, सीड लेके आने थोड़ी बहुत, सीड लेके आऊं और मेरा लोन माफ हो गया क्या पूरा, अरे नहीं यार 125 का लोन बचा, बैंक जा ही नहीं रहा है भाई, लोन खत्म ही नहीं हो रहा है, उसको जाके रीपे करना पड़ेगा मेरे को सारा लोन, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है। देखो टमाटर मेरे उग गए हैं थोड़े बहुत, टमाटर मैं इसमें कलेक्ट नहीं कर सकता क्या डायरेक्ट, अब मुझे ये बात करनी है, यहाँ पे हो गए ना ये टमाटर, ये वाले टमाटर उगे, ई टू हार्वेस्ट, अच्छा हाँ आ जा रहे हैं सारे एक बार में आ जा रहे हैं, सही है, देखना अब कोई सा उग रहा है क्या इनमें से, ये बच रहा है नहीं, ये बच रहा है, इसको और लेके चलता हूँ, बाकी सारे हार्वेस्ट कर दिए मैंने ठीक है। कितने आए इसमें टमाटर, 12 टमाटर ही आए थे क्या इससे पहले, मुझे ये ध्यान नहीं है भाई, इसको यहाँ रखते हैं, वो एक पेड़ उड़ा है जब तक मैं इसको काट लेता हूँ ठीक है, जब तक थोड़ी बहुत वुड इकट्ठी हो जाएगी, और मैं जब नहीं लाऊंगा ना क्या कहते हैं नए सीड्स लाऊंगा तो वो महंगे वाले लाऊंगा, और देखते हैं कितना महंगा सामान ला सकते हैं भाई अपन। मेरे पास फर्टिलाइजर वगैरह है जहां तक मेरे को लगता है 12 नहीं थे इससे पहले, मैं ज्यादा टमाटोज निकाले थे और सारे पहले एक साथ उग गए थे, अब तो क्या है पेड़ पहले से बड़े है ना, तो कोई किसी में पानी लगना रह गया, किसी में कुछ रह गया, तो एक एक करके उग रहे हैं सारे, पहले मैंने सब में एक साथ पानी डाला था, मेरे को पता भी नहीं था, मैं स्प्रिंकलर लाया था पानी डालने के लिए, फिर मुझे बाद में पता पड़ा बकेट से भी डाल सकते हैं, स्प्रिंकलर तो जब डाल सकते हैं
हैं जब अपने आसपास कहीं विंडमिल हो, विंडमिल बनानी पड़ेगी विंडमिल, ठीक है। तो पता नहीं विंडमिल और स्प्रिंकलर का क्या लेना देना है, तो भाई गेम वाली जाने, अपना तो ये काम करते हैं अपन। और भाई बीच में तो ऐसा भी लगने लगा था कि बगीचे का पोता पैसे कमाने लग गया है, लेकिन हाँ मतलब कमाने तो लग गया है लेकिन पैसा है नहीं अभी। पैसा कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा अच्छा सा, जो कि मैंने कर दिया है फार्मिंग। सबसे बड़ी चीज तो फार्मिंग ही है, और मैंने वुड भी पूरी काट दी है, तो वुड निकाल लेते हैं, सारी वुड को जमाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वुड लाओ भाई, और ये भाई कितनी सारी है, जहां तक दो तो और बन जाएंगे, दोबारा से दो बन जाने चाहिए, दो पॉट। और ये मशीन बंद करो भाई, फालतू में पेट्रोल जला रहा है भाई, इतना पेट्रोल का पैसा नहीं है मेरे पास, ठीक है। पैसा कमाने लग गया हूँ थोड़ा बहुत मैं, लेकिन ये है कि तू पैसे, अरे अरे क्या करता है, क्या करता है भाई, क्या हो रहा है, यहाँ लगाओ, ये उठाओ, ये उठाओ, ये उठाओ, ये उठाओ। चलो भाई इसको रख देते हैं अपन वहाँ पे फार्मिंग के पास में, अपने पॉट्स के पास में, और अपन डायरेक्ट चलते हैं। ओके और उग गए, और उग गए, अच्छा हाँ एक ही उगा था जिसका वेट कर रहे थे ना अपन, वो उग गया है। इसको रखो यहाँ, इसको रखो यहाँ, इसको रखो यहाँ, इसको रखो यहाँ, ठीक है। अब वो कहाँ है मेरी बास्केट, ये रही, कूलर, कूलर इसमें हार्वेस्ट कर लो सब कुछ। और अभी कितना हो गया इसके अंदर, इसके अंदर हो गया 16, और हाँ 16 ही थे शायद पहले। अभी देखना इसके 195 रुपीज मिलने चाहिए या तो उससे ज्यादा। और मैं कुछ भूल तो नहीं रहा यहाँ से ले जाना, भूल जाता हूँ क्योंकि भाई हर बार मैं दो दो तीन तीन बार जाता हूँ फालतू में। यहाँ पे अंडे क्या, हाँ इनके अंडे हैं, इनके अंडे ले जाता हूँ मैं। जाओ अंडे रखो इसके अंदर, अंडे रखो इसके अंदर, और दो, पांच अंडे कैसे हो गए, मैंने तो तीन ही अंडे रखे हैं। अच्छा तीन अंडे पहले के होंगे ना, ठीक है, मतलब तीन कह रहा हूँ मैं, दो ही अंडे रखे थे, अब तीन हो गए। चलो भाई अभी फटाफट से चलते हैं ये सारा सामान लेके, और 200 रुपए तो आ जाने चाहिए भाई मेरे पास। मैं क्या कह रहा हूँ रीपे कर दिया जाए लोन, और लोन इस बार बड़ा वाला ले लिया जाए वापस, क्योंकि रोज का पैसा कटना ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन रोज का पैसा लाना दिक्कत है। हाँ यार ये भी बात ठीक है, देखते हैं भाई देखते हैं। रोज का पैसा जब मुझे लगेगा ना, रोज का मैं कम से कम 100 रुपए कमा पा रहा हूँ, जब बड़ा वाला लोन ले लूंगा मैं एक साथ। एक गाड़ी वाले राइड कर ले, अरे रोको गाड़ी, रोक यहाँ लगाओ, गाड़ी लगाओ इसके यहाँ पे। और भाई अब मैं बताता हूँ कितने के बिक रहे हैं टमाटर। लो मेरे को लगा था भाई स्टार्टिंग में तो 100 रुपए के भी नहीं बिकेंगे, लेकिन अब चलते हैं सेल में, और ये देखो टमाटर बिक रहे हैं। अरे पहले ये सेल करो, 101, अरे यार इसका मतलब इससे पहले मैं ज्यादा टमाटर लाया था, देख रहे हो तुम। इसको करो सेल, और कूलर बॉक्स, अच्छा ठीक है कूलर बॉक्स थोड़ी सेल करना है मेरे को। अभी बाएं में चलते हैं, और बाएं में जाने के बाद मेरे को सबसे पहले देखो खाना खत्म हो गया, जहां तक खाना ले लो, पानी की बाटली भी खत्म होने वाली है, पानी की बाटली ले लो। और अब मुझे चाहिए सीड्स, 150 रुपीज आ गए मेरे पास, सीड्स ले लेता हूं मैं 70 वाले, तो 130 रुपीज हो रहे हैं, ठीक है भाई। सबसे महंगे सीड्स हैं यही, मैं पहले पाइनएप्पल ले रहा था बट मेरे को पैसा बचा नहीं था, अभी मेरे पास खूब सारा पैसा है। मैंने वो कौन से ग्रेप्स वाले सीड लिए शायद, ये रहे, ये कौन से सीड्स हैं, ग्रेप्स हैं, ग्रेप हैं। चलो इसको रखो यहां पे, इसको उठाओ, इसको रखो यहां पे, और अब चलते हैं। अरे वो भी तो लिया है, उतर गाड़ी से उतर, ये भी तो लिया है, मेरा सामान है, इसको कहां रखूं, लेकिन ये आएगा ही नहीं, यहां आ रहा भाई, आ गया आ गया आ गया। चलो भाई अभी काम बन गया, मैंने एक ही खाना इसलिए लिया है क्योंकि मेरे को और सामान लेने थे, खाना तो अभी होगा सबके पास, बाकी बाद में और ले लूंगा मैं खाना। रोक रोक गाड़ी, रोक गाड़ी, रोक पीछे ले, आगे ले, पीछे ले, पीछे, ठीक है भाई आगे पीछे करता करता मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। यहाँ आने के बाद यहाँ रोको, यहाँ रोको, लाओ सीड्स, तो मुझे सीड लगाने हैं इसमें, लग रख, ओ इसमें तो लग रख, इसमें लगाने हैं, इसमें लगाओ, इसमें लगाओ भाई। इनको सामान वही चाहिए, लेकिन भाई ये पैसा ज्यादा देने चाहिए यार, वरना मैं निराश हो जाऊंगा। ये लगाओ, पानी लगाओ, मैं भी और लगाना है पानी, इसमें लगाओ, इसमें लगाओ, पानी मैंने सब में लगा दिया, फर्टिलाइजर और रख देता हूँ उसके अंदर यहाँ पे, ठीक है फर्टिलाइजर भी लगा दिया भाई। अब बस इसकी ग्रोथ चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए, और इसको बेच के देखेंगे कितने का बिकेगा ये। और एक ग्रोथ धीरे तो नहीं होती इसकी, लेकिन भाई जो भी हो भाई 70 रुपए की सीड लाया हूं, महंगा तो बिकना चाहिए वो आइटम। अब इसको उठाते हैं, इसको यहां रखते हैं, इसके बाद मैं चलता हूं बिल्ड में, और लार्ज पॉट और बिल्ड करने हैं मेरे, ठीक है एक एक करके और बिल्ड करते हैं बहुत सारे। लेकिन यार मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा, मेरे को ग्रीन हाउस बना के करना चाहिए, ग्रीन हाउस में ना जल्दी होता है, थोड़ा जल्दी ग्रोथ होती है, जितने बना रहा हूं उतने बना देता हूं, अब नहीं बनाऊंगा, ठीक है अब ग्रीन हाउस लूंगा पहले, मतलब ग्रीन हाउस बनाऊंगा उसके बाद उसके अंदर लगाऊंगा ये सारी चीज। अबे यार ये तो एक ही में खत्म हो गए, ये लो ये तो दो भी नहीं बन पाएंगे, छोड़ो दो भी पूरे नहीं बने, बताओ 12 ही हुए। इसके अंदर भी ग्रेप्स उगा देते हैं, ग्रेप्स थोड़े से पैसा दे जाएंगे अपने, कहां गए ग्रेप्स, यहीं तो रखे थे ये रहे। अरे यार इनको एक तो अंदर रख जाओ, इसको रखो अभी के लिए तो यहाँ पे, फर्टिलाइजर डालो दोनों में, ठीक है। और पानी की बकेट कहाँ है, पानी लो इधर रखो, इसके बाद ये उठाओ और ग्रेप्स को अंदर, ग्रेप्स को रखो यहाँ पे, ठीक है। और भाई तुम लोगों को किसी चीज की कमी पड़ रही है क्या मुझे बताओ, खाना है तुम पे, पानी है तुम पे, तो बड़े क्यों नहीं हो रहे हो तुम सालो हराम खोर लोगों, तो प्रेगनेंट है, हाँ ये प्रेगनेंट है, वो कहाँ है भाई, इसको हलाल करना चाह रहा हूँ मैं, तो हलाल करना चाह रहा हूँ मैं, बस कर नहीं रहा हूँ, इतनी देर हो गई है। लाओ पानी की बकेट भी तो लाया था मैं, और हाँ पानी लाओ, खाना भी लाओ इधर, ठीक है खाना रखो यहाँ, पानी रखो यहाँ, ये भी रखो यहाँ पे, कूलर को बास्केट रखे रहने दो इसके अंदर, लाओ पानी दो, पानी डाल के आने दो, इसमें पानी डालो, इसमें पानी डालो, इसमें पानी डालो, इसमें पानी डालो, चलो। और अभी इनमें भी खत्म हो गया है पानी तो, अरे ये तो शिट हो गई, पानी नहीं होगा तो ग्रोथ कैसे होगी इनकी, ये भी पानी डालो। चलो भाई सब में मैंने पानी डाल दिया, फर्टिलाइजर डाल दिया, फर्टिलाइजर और ले आ दो मेरे को थोड़ा, रुक जाओ पहले इस कूलर में रखने दो फर्टिलाइजर, वरना खत्म हो जाएगा। कूलर में रखो, उठाओ फर्टिलाइजर डालो भाई वापस से। चलो भाई सब में मैंने फर्टिलाइजर भी डाल दिया है, इसको वापस उठाते हैं और इसके अंदर रख देते हैं, इसको रख देते हैं बाहर। अभी भाई मैं चलता
हूँ अपनी मुर्गियों के पास, उनके पास भी खाना खत्म हो गया होगा, खाना और लेके आना, मेरे पास पैसे बचे हैं शेष 23 रुपए और लोन बचा है 125 रुपए का। यार मुझे लोन चुका देना चाहिए, मैं गलती कर रहा हूँ बहुत बड़ी वाली। खाना ना यहाँ है ना बाहर है, बहुत बढ़िया, इनके लिए भी खाना लाना है मेरे को। तो अब मैं क्या बेच के खाना लाऊं जरा मुझे बताएंगे। और पीछे से खूब हिरन आ रहे थे, अब एक हिरन नहीं दिख रहा है भाई, बहुत मतलब मैं क्या ही बताऊं भाई, गेम को सब पता रहता है, चीटिंग करता है गेम। इधर आ भाई, इधर आ, कहाँ है तू, है क्या? हाँ बहुत बड़े हो गए हो तुम, इधर तो आओ जरा, बाहर आओ। साले हराम खोर, तुझे बोला था बाहर निकलने, तू बाहर आ साले, इतना मोटा हो गया 2 किवाड़ खोलने पड़ेंगे तेरे लिए, बाहर आ, ठीक है छोड़, तू इधर आ, ये तू इधर। अरे नहीं, अरे नहीं, अरे सब निकल गए, लो लो बात बंद कर, इसको छोड़, इसको खोल, इसको बंद कर। और तू कहाँ जाना है, खाना नहीं मिलेगा बाहर, मैं ही देता हूँ तुम लोगों को खाना, साले हराम खोर लोगो, तुम्हें कोई खाना नहीं दे, बंद करो बंद करो बंद। चलो भाई अभी बाबूजी मरने को तैयार। अरे बड़े दिनों से पाला पोसा था भाई को, अरे भाई का जबड़ा खुल गया पूरा, भाई में से बहुत खाना निकले, मैं कह ही रहा था भाई में से बहुत खाना निकलेगा, भाई ने तो बौछार कर दी खानों की। लो भाई, अबे अबे, अरे कहां से निकल रहे हैं, अरे मैंने तो गिन के भी नहीं रख रखे बच्चे, कितने बच्चे हैं मेरे पास, फिट हो गई है तो। अंदर आओ अंदर आओ, गेट बंद करो, बाहर नहीं जाना है, अंदर आओ भाई, गेट बंद करो, बोलो मैं गिन लेता हूँ भाई अभी, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 6 बच्चे हैं, ठीक है 6 बच्चे थे, मुझे पता है 6 बच्चे दिए थे इसने, बस मैंने गिने नहीं थे, लेकिन वो 3-3 के पैर में घूम रहे थे और पीछे पीछे घूम रहे थे अपनी माँ के। बाकी भाई इतना सारा मैं लेके कैसे जाऊंगा, लोड कैसे करूंगा, रुक जाओ ये लोड उसमें हो जाएगा क्या, कूलर में लोड हो जाएगा, कूलर कहाँ है मेरा, कूलर इधर आइयो, इधर ये कूलर में लोड हो जाए तो मजा आ जाए, ई टू पुटीन। अरे हो गया काम, हो गया, ये लो बस, कितना रख सकते हैं मुझे ये नहीं पता है, अबे ये तो खूब रख ले रहा है, ये तो मजा आ गया गाइस, मैं क्या ही बताऊं तुमको। लेकिन ये अरे एक से रह गया, एक नहीं रख पा रहा उसके अंदर, कोई बात नहीं इसे उठाओ और इसको रखो अकेले को यहाँ। भाई कितनी बोछार करी तुमने, देखा भाई कल के दिन जा रहा हूँ मैं, और कल के दिन शायद ये यार 125 का तो बिक जाना चाहिए कम से कम, अगर 125 का बिकेगा तो इसको बेचूंगा, लोन चुकाऊंगा और बड़ा वाला लोन लूंगा, ठीक है फिर देखो तुम, फिर देखो बस तुम देखते जाओ, अब करूंगा मैं तैयारी अच्छी वाली। चलो भाई आज के दिन मुझे चलना है, फटाफट से चलते हैं जनरल स्टोर, जनरल बाबू की स्टोर कहाँ है, अन्नू जनरल स्टोर, अरे बीच में से जाने दो मेरे को, कुछ नहीं करा मैंने, हट जाओ सामने मत आओ। अरे कितने पेड़ लगाए हैं, किसने लगाए हैं भाई पेड़, अरे गंदे लोग। चलो भाई मैं आ गया हूँ यहाँ पे, और भाई बहुत उम्मीदों से आया हूँ, देख मेरे को चाहिए खूब सारा पैसा, मेरे को चाहिए खूब सारा पैसा, 125 चाहिए, देख 125 से ज्यादा नहीं देगा तब भी चलेगा, सेल काइज। मैं रो पड़ूंगा, 750 रुपए देने की चीज होती है, 750 अब मैं काओ भी ले जा सकता हूँ, बट उससे पहले मुझे चाहिए खाना, ठीक है ये कितने की है काओ, 650, दो खाना रखो एक काओ रखो, नहीं रुक जा, एक बार मैं धंधा कर दूंगा बड़ा, इतना बड़ा वो तुम भी नहीं जान पाओगे, रुक जाओ यार। लेकिन काओ लेके कैसे जाऊंगा, वो भी तो बात है, काओ इस गाड़ी में तो आने से रही, ऑयल लो, क्या मुझे आज ही बड़ी गाड़ी खरीदनी पड़ी, कैन एनीवन टेल मी, रुक जाओ इधर जाने दो, इधर रोक दो यार, मैं चाह रहा हूँ लोन नहीं लूं, क्या कहते हो गाइस, तुम लोग कमेंट्स में बताओगे तो अगली वीडियो में लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। इसको खोलो, बताइयो तू कार कितने की दे रहा था इसके अंदर, हाँ भाई देखो इसके अंदर है ना बस, बकरी ले जा सकते हैं, ठीक है तो बकरी ले जाएंगे, कोई बात नहीं बकरी ले जाएंगे, बकरी खरीद लेंगे, गाय नहीं खरीद रहे, गाड़ी नहीं खरीदूंगा क्योंकि अभी भाई गाड़ी 1600 रुपए की है, गाय भी आ रही ना इसमें, गाय आ रही ना, ये गाय है ना, ये गाय है भाई, वो गाय है, बाकी इसमें कुछ नहीं आता, इसमें गाय है, इसमें आ जाएंगी भाई, इसमें 4 गाय एक साथ आ जाएंगी ये, लेकिन है भी 2500 का, इतने रुपए है नहीं भाई अभी, ठीक है भैया आएंगे हम आप पे भी आएंगे, रुक जाओ तुम थोड़े दिन रुको। लो भाई गेट बंद कर दिया तुम्हारा, अभी मुझे जाने दो फटाफट से यहाँ पे, और लोन वाली से दीदी से पूछने दो, दीदी लोन का क्या सिस्टम, देखो अभी बात ये है इंस्टॉलमेंट, ये जो है ना सबसे बड़ा लोन 2500 का, इसमें 86 इंस्टॉलमेंट्स है, नहीं इंस्टॉलमेंट्स 86 दिन तक चलेगा, ठीक है भाई नहीं ले रहा लोन, ठीक है मैं खुद ही से कमा लूंगा, खुद ही से बेच दूंगा, क्योंकि भाई वो बंदा जितना महंगा बिका है ना, वो 300 रुपए का लाता था मैं किसी जमाने में, और अब मेरे को लाने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी बात उसको लाने की जरूरत नहीं है, मेरे और पिगीज हैं छोटे छोटे, वो खुद ही बड़े हो जाएंगे। लाओ मेरे को एक बकरी लेके जाने दो, बकरी लेके चलूंगा उससे दूध लूंगा, उसका दूध बेचूंगा मैं, बकरियों को रखना कहाँ है, हाँ बकरियों को गाइस, बकरियों को मैं रख दूंगा इन्हीं के साथ, क्या कहते हैं पिगीज के साथ, जो गाय लाऊंगा ना गाइस को रखूंगा, गाइस कह रहा हूँ मैं, गाय को रखूंगा अलग से। लाओ भाई गोट दे दो मेरे को, मेल नहीं फीमेल वाली, 500 रुपए की दे रहा है यार गंदा आदमी, अच्छा वो भी तो ज्यादा की दी, गाय भी 650 की, यार गाय ली जाए कि ये ली जाए, डेरी बोले और डेरी का, इन दोनों में अंतर क्या है, बच्चा देंगे दोनों करके मेरे को, ये दोनों 800 में आ जाएंगे। छोड़ भाई मैं क्या एक फीमेल गोट लेके जा रहा हूँ, ठीक है थोड़ा बहुत पैसा बचना चाहिए अपने पास, क्योंकि और पैसा कमाने का साधन है क्या, अरे और पैसा कमाने का साधन है ना भाई, गोट उठाओ, लेकिन गाय लेके कैसे जाऊंगा, बात तो यही थी, ठीक है गोट ले जाऊंगा मैं, ये करो चेकआउट, मेरे पास 170 रुपए बचे, रुक जा गोट कहाँ है मेरी, वेयर इज यू, वेयर आर यू, ये कूलर उतारूं पहले, ठीक है ला गोट इधर आइयो, अरे इतनी सी गोट दी इन लोगों ने, दूध देगी कि नहीं है, ई टू ट्रांसपोर्ट एनिमल, ये ले रख दिया, ठीक है बाकी सामान आ जाएगा इसमें आ जाएगा, इसको रखते हैं यहाँ पे, इसको उठाओ, खाना रखते हैं यहाँ पे और दूसरा खाना उठाओ, और एक सेकंड क्या मैं मुर्गियों को खाना दिया आया था, अबे शिट नहीं कर दिया मैंने, थोड़ी सी शिट हो गई, मुर्गियों को खाना नहीं दिया मैंने, मुर्गियों को खाना नहीं दिया है मैंने, अबे यार ये मुर्गियां मर गई होंगी, पक्की बात है मर गई होंगी, जिंदा है, खाना डालो खाना ले लो, खाना खाओ प्लीज
खाना खाओ, प्लीज खाना खाओ, पानी तो है तुम पे, खाना खा लो। पानी तो इसमें भी रखा है ना, पानी इसमें भी रखा है, खूब पानी रखा है। ठीक है ठीक है भाई, अब खाना खा लेंगी, वो खाना खा लेंगी, काम हो गया। और यार मैं एक मुर्गा क्यों नहीं ला रहा, मुर्गा ले आऊं तो बच्चे हो जाएंगे शायद। अच्छा मुर्गा होने से बच्चे नहीं होते ना, इनके तो अंडे से बच्चा होता है। बात कर रहा हूँ, उतरियो नीचे जरा। अरे भागे मत, भागे मत, इधर इधर चलिए, अंदर चलिए, आ जाइए मैडम, आ जाइए आ जाइए। अब क्या करोगे तुम, रह लोगी ना, मारना मत, इनके सींग मत मारना, वो दीदी प्रेग्नेंट है। ओए ओए लड़ रही है, नहीं नहीं लड़ नहीं, लड़ नहीं रहे भाई। चोर और खाना, खाना खत्म हो गया, खाना खत्म मत करो, खाना डालो इसमें, खाना चलो, पानी है ना इसमें। ठीक है भाई ठीक है, अभी ठीक है ना, अब अपना थोड़ा सा धंधा अपने आप चल जाएगा। अब मेरे को बस नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, एक और है मेरे पास, एक और है, इसको उठाओ, इसको भी मैं रखाता हूँ अंदर। ये लो भाई, तुम लोग मस्त मिल बांट के रहो, ठीक है, खाना पीना खाओ। तू तू छलांग मारेगी मुझे पता है, इसे बंद कर देता हूँ। ओहो बकरी की आवाज भी निकालती तू, अभी तेरा दूध कैसे निकालना है। एक मिल्क बकेट लानी पड़ेगी, ठीक है मिल्क बकेट ले आऊंगा, उससे अपने पास दूध वूध आ जाएगा। बाकी मेरे पास पैसे इस टाइम 170 रुपए, और लोन कितना रह गया, 83 का लोन रह गया भाई, 83 का लोन रह गया। और ये सब उगर, ये क्यों नहीं उग रहा है, क्यों नहीं उग रहा है, ये भी नहीं उग रहा है, क्या चक्कर है, सनलाइट ज्यादा आ रही है क्या, क्या पता भाई इनके ऊपर क्या चक्कर आ रहा है। बाकी ग्रेप्स तो उग रहे हैं अपने, फर्टिलाइजर और डाल दूंगा इनके अंदर। बाकी गाइस जब तक के लिए इतना, आज मैंने एक तरीके से देखो तो डबल प्रोग्रेस कर लिया, क्योंकि एक वीडियो का कंटेंट तो डिलीट ही हो गया, डिलीट नहीं हुआ मतलब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, मैं खेले जा रहा हूं बट रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।